ईथर चैनल किस लिए यूज होता है? ईथर चैनल देखो होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास में ये दो स्विचेस थे, इन दो स्विचेस के बीच में हमने मल्टीपल पोर्ट यूज कर रखे थे। लेट्स सपोज एक ही पोर्ट है मेरे पास में ये, और यहाँ पे मेरे पास में कुछ लाइन यूजर अटैच है, 100 नंबर ऑफ लाइन यूजर कनेक्टेड है इस स्विच पे, और 100 नंबर ऑफ लाइन यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही वीलन में है, वीलन 100 में है, ठीक है, 100 नंबर ऑफ लाइन यूजर है, और ये हमारा जो स्विच है वो फास्ट इथरनेट स्विच है, तो ये जो हमारा लिंक रहेगा ये फास्ट इथरनेट लिंक है, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 100 एमबीपीएस की स्पीड रहेगी, और ये भी जो आपके लिंक है वो कितने है? ये भी कौन से आपके फास्ट इथरनेट लिंक है तुम्हारे, तो ये 100 लाइन यूजर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे स्पीड उनको कितनी मिल रही होगी? 100 एमबीपीएस की, और ये लाइन यूजर भी जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, बट ये 100 लाइन यूजर इन 100 लाइन यूजर को जब एट ए टाइम कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो स्पीड कितनी मिलेगी? ये जो लिंक है इस लिंक की स्पीड क्या हो जाएगी? शेयर हो जाएगी। अब 100 नंबर ऑफ लाइन यूजर इस 100 एमबीपीएस के लिंक को यूज कर रहे हैं तो हर एक लाइन यूजर को स्पीड कितनी मिलेगी? 1 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में? हम लोग मल्टीपल पोर्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं स्विच के बीच में। हमने ये दो पोर्ट यूज कर लिए, बट आप लोगों को एक चीज और पता है, यहाँ पे स्विचेस पे एसटीपी चल रहा होता है। एसटीपी क्या करेगा? लेट्स सपोज स्विच वन जो है वो रूट ब्रिज बन गया, इसके दोनों पोर्ट डीपी हो जाएंगे, ये वाला पोर्ट आरपी और ये वाला पोर्ट एट ए टाइम लिंक कितने यूटिलाइज हो रहे होंगे? सिर्फ एक ही लिंक यूटिलाइज हो रहा होगा आपका। बात आ रही है ना समझ में? तो अब हाँ ठीक है, अगर मेरे पास में यहाँ पे दो विलन में यूजर यहाँ पे होते, विलन 10 में 20 में, दो विलन में यहाँ पे यूजर होते विलन 10 में 20 में, फिर उस केस में मैं विलन 10 के लिए इस वाले पोर्ट को आरपी बना लेता, विलन 20 के लिए इस वाले पोर्ट को आरपी बना लेता, दोनों लिंक यूटिलाइज होने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे भी लैन यूजर और ये भी लैन यूजर एक ही विलन में है, सारे के सारे विलन लाइक 10 में है, तो अब क्या होगा? हाँ तो ये वाला पोर्ट तुम्हारा आरपी, ये वाला पोर्ट फॉर विलन 10 ब्लॉक, सभी विलन का डेटा, सभी लाइन यूजर का डेटा इसी लिंक से कैरी कर रहा होगा, लिंक तो एट ए टाइम एक ही यूटिलाइज हो रहा होगा तुम्हारा। इवन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लिंक भी यूज करूँ तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। और एक्चुअली ना हमारे स्विचेस के ऊपर ना कुछ अपलिंक पोर्ट भी होते हैं, क्या होते हैं? अपलिंक पोर्ट। अपलिंक पोर्ट कौन से होते हैं? कुछ गिग पोर्ट भी होते हैं, आपको नॉर्मली स्विचेस पे 2 और 4 गिग पोर्ट देखने को मिलते हैं फास्ट इथरनेट स्विचेस पे। आपको नॉर्मली डिपेंड करेगा स्विच कौन सी सीरीज का है, कौन से प्लेटफॉर्म का है, डिपेंड करेगा इस चीज पे। तो स्विचेस पे आपको नॉर्मली 2 या 4 आपको अपलिंक पोर्ट देखने को मिलेंगे, और अपलिंक पोर्ट क्या कौन से होते हैं? गिग पोर्ट। कौन से पोर्ट होते हैं? वो गिग पोर्ट होते हैं। तो दो स्विचेस के बीच में जब भी आप कनेक्टिविटी करते हो ना, तो आप फास्ट इथरनेट लिंक ना यूज करके हम लोग कौन सा पोर्ट यूज कर लेते हैं? अपलिंक पोर्ट यूज कर लेते हैं, गिग पोर्ट यूज कर लेते हैं। तो 1 Gbps का लिंक यूज करोगे आप, तो अब ये लाइन यूजर 100 लाइन यूजर इन 100 लाइन यूजर को कम्युनिकेट करेंगे तो इस वाले पोर्ट, इस वाले लिंक पे आपको बैंडविड्थ कितनी मिल रही है? 1000 Mbps है ना, तो सारे लाइन यूजर जब एट ए टाइम कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो स्पीड कितनी मिलेगी? 10 Mbps की स्पीड मिलेगी। बात आ रही है ना समझ में? क्लियर है ना इतनी चीज? ओके, तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? अपलिंक पोर्ट यूज कर लेते हैं, बट स्टिल सभी लाइन यूजर जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ में तो सिर्फ आपको 10 Mbps की ही स्पीड मिलेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन स्विचेस के बीच में, वो चारों के चारों अपलिंक पोर्ट मैं क्या कर लेता हूं? यूज कर लेता हूं, बट स्टिल एसटीपी काम कर रहा है। एसटीपी क्या करेगा? इन सभी पोर्ट को क्या बना देगा? डीपी। एक पोर्ट इनमें से क्या रहेगा? विलन 10 के लिए आरपी, और ये वाले सारे पोर्ट क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। स्टिल लिंक कितने यूटिलाइज हो रहे होंगे? एक ही लिंक यूटिलाइज हो रहा होगा। हमने क्या करने हैं? ये सारे के सारे लिंक क्या करने हैं? यूटिलाइज करने हैं। अब एक लिंक आपका 1000 Mbps का है, एट ए टाइम एक ही लिंक से डेटा क्या करेगा? कैरी करेगा। एसटीपी वर्क करता है आपके इन सभी फिजिकल लिंक्स पे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ईथर चैनल यूज करेंगे, और ईथर चैनल यूज करके हम लोग इन पोर्ट्स को क्या करवा सकते हैं? एग्रीगेट करवा सकते हैं। मैं इन सभी पोर्ट को यहाँ पे क्या करवा लूंगा? एग्रीगेट करवाऊंगा इस स्विच पे, और इन सभी पोर्ट को मैं इस स्विच पे क्या करवाऊंगा? एग्रीगेट करवाऊंगा, और एग्रीगेट करवा के हम लोग एक लॉजिकल पोर्ट बना लेंगे जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोर्ट चैनल। जैसे मैंने एक पोर्ट चैनल यहाँ पे 10 बना लिया, और यहाँ पे इस पोर्ट चैनल को एग्रीगेट करवा के जो लॉजिकल पोर्ट बनाया मैंने नंबर क्या दे दिया? 20। कोई भी नंबर दे सकते हो, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब एसटीपी किन पोर्ट्स पे वर्क करेगा? एसटीपी अभी इस लॉजिकल पोर्ट पे काम करेगा। एसटीपी उन फिजिकल पोर्ट्स पे वर्क नहीं करता जो फिजिकल पोर्ट किसी पोर्ट चैनल का मेंबर है।
एसटीपी उन फिजिकल पोर्ट्स पे वर्क नहीं करता जो पोर्ट्स किसी पोर्ट चैनल के मेंबर हैं। एसटीपी अब किस पे वर्क कर रहा होगा? इस लॉजिकल पोर्ट पे। तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? डीपी। और ये लॉजिकल पोर्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा? आरपी। ये पोर्ट चैनल फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा 30 सेकंड में, और ये वाला पोर्ट चैनल भी आपका 30 सेकंड में किस में आ जाएगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में। और ऑटोमेटिकली ये फिजिकल लिंक भी किस में आ जाएंगे? आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब सारे के सारे पोर्ट क्या है आपके? फॉरवर्डिंग स्टेट में। इतनी चीज क्लियर है? और हाँ, ये वाले पोर्ट भी क्या रहेंगे? डीपी। और ये पोर्ट भी क्या रहेंगे? डीपी। अरे ये तो कोई पोर्ट चैनल के मेंबर नहीं है ना, इनपे तो एसटीपी वर्क कर ही रहा होगा। क्लियर? और हाँ, अगर आपके पास में कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज हमने क्या कर रखा है, हमने इन दोनों पोर्ट को यहां पे एग्रीगेट करवाया, यहां पे इन दोनों पोर्ट को एग्रीगेट करवाया, यहां पे इन दोनों पोर्ट को, यहां पे इन दोनों पोर्ट को, तो एक पोर्ट चैनल बना लिया आपने, पोर्ट चैनल 10। यहां पे भी मैंने पोर्ट चैनल कौन सा बना लिया? ये वाला 10। और इन दोनों पोर्ट को एग्रीगेट करवा के पोर्ट चैनल 20 बना लिया, और इन दोनों पोर्ट को यहां पे एग्रीगेट करवा के पोर्ट चैनल 20 बना लिया। तो अब ये वाला पोर्ट डीपी, यहां पे ये वाला पोर्ट डीपी स्विच 1 रूट ब्रिज है ना, तो ये वाला पोर्ट आरपी और ये वाला पोर्ट ब्लॉक। बात आ रही है ना समझ में? क्लियर है ये चीज? हटा दूं इसको। अब देखो यार, अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल पोर्ट को क्या करवाना है? एग्रीगेट करवाना है एक लॉजिकल पोर्ट में। तो कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है, तुम लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट भी पढ़ी होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर मल्टीपल पोर्ट्स को आपने एक सिंगल पोर्ट में एग्रीगेट करवाना है? देखो, एक तो स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और डुप्लेक्स क्या होना चाहिए? सेम है ना। और जो ये रिक्वायरमेंट जो है ना, वो कैसी होती है रिक्वायरमेंट? इस तरह से वो करेगा, इस लोकल स्विच पे ये दोनों पोर्ट की रिक्वायरमेंट चेक करेगा। यहाँ पे दोनों पोर्ट तुम्हारे 10 Mbps के लाइक या 100 Mbps के होने चाहिए, स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए। इन दोनों का डुप्लेक्स क्या है? फुल डुप्लेक्स है। ये नहीं होना चाहिए एक पोर्ट आपका हाफ डुप्लेक्स में, एक पोर्ट आपका फुल डुप्लेक्स में, ठीक है? हाँ, सामने वाले स्विच पे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे सामने वाले स्विच पे ये दोनों पोर्ट क्या है? 10 Mbps का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पोर्ट भी किस में आ जाएंगे? पोर्ट चैनल बन जाएगा इनका, ये दोनों भी पोर्ट चैनल में आ जाएंगे दोनों, ठीक है? ये दोनों क्या है? हाफ डुप्लेक्स में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पोर्ट चैनल फॉर्म हो जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट होती है लोकल, उसी स्विच पे चेक होती है, उसके सभी पोर्ट पे वो मैच करेगा ये सारी चीजें। और इथरनेट स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इथरनेट स्टैंडर्ड से क्या मतलब है? जो हमारे इथरनेट पोर्ट होते हैं उनका इथरनेट स्टैंडर्ड अलग होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट का इथरनेट स्टैंडर्ड अलग होता है, गिग पोर्ट का अलग होता है, 10 गिग का अलग होता है। पता चले मैं एक पोर्ट मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है और एक अपलिंक पोर्ट है, उन दोनों को क्या करवा रहा हूं मैं? एग्रीगेट करवा रहा हूं। ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो वो सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए? या फिर गिग पोर्ट होने चाहिए, 1 गिग पोर्ट होने चाहिए, या फिर सारे के सारे पोर्ट आपके 10 गिग होने चाहिए, या फिर सारे के सारे आपके इथरनेट पोर्ट होने चाहिए, या फिर आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट होने चाहिए, ठीक है? तो इथरनेट स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए सभी पोर्ट्स पे। ये नहीं है कि एक मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है और एक मेरा गिग पोर्ट है, गिग वाले की स्पीड मैंने क्या कर ली? चेंज कर ली, 100 Mbps कर ली, और फास्ट इथरनेट की तो 100 Mbps थी, तो आप इनको एग्रीगेट नहीं करवा सकते, इनका इथरनेट स्टैंडर्ड तो अलग अलग है ना यार। समझ में आ रही है ना बात? और ऑल पोर्ट शुड बी एक्सेस और ट्रंक। ये नहीं होना चाहिए कि एक पोर्ट एक्सेस बना हुआ है, एक पोर्ट ट्रंक बना हुआ है, नहीं, ठीक है? या फिर सारे के सारे पोर्ट क्या होने चाहिए आपके? एक्सेस होने चाहिए, अदरवाइज सारे पोर्ट क्या होने चाहिए आपके? ट्रंक पोर्ट होने चाहिए। क्लियर? तो ये भी चेक करेगा ये। और इसके अलावा अगर आपका ट्रंक फॉर्म करवा रखे हैं, सारे के सारे पोर्ट्स आपके क्या है? ट्रंक है, और आप उनको क्या करवा रहे हो? इथर चैनल में फॉर्म करवा रहे हो, तो जो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और हाँ, अलाउड विलेन लिस्ट, विलेन अलाउड लिस्ट,
सेम होनी चाहिए। पता चले एक पोर्ट पे विलन 10 को आपने रिमूव करवा रखा है, दूसरे पोर्ट पे विलन 10 रिमूव ही नहीं है जिनको आप इथर चैनल में फोन करवा रहे हो, तो वो भी मैच करेगा। और इसके अलावा नेटिव विलन, सभी पोर्ट पे नेटिव विलन क्या होना चाहिए, सेम। और हाँ, आपकी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट थी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। आप लोगों को याद है ना वीटीपी प्रूनिंग से क्या होता था, ऑटोमेटिकली पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाते थे, और अगर कोई वीलन में कोई यूजर नहीं है तो सामने वाले स्विच पे ऑटोमेटिकली वो वाला वीलन फॉरवर्डिंग स्टेट से हट जाता था। जैसे ही एक स्विच पे कोई पोर्ट कोई वीलन में ऐड होता था, सामने वाले स्विच पे ऑटोमेटिकली वो वीलन फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता था, याद है ना। तो कई बार हम लोग वो वीटीपी प्रूनिंग लिस्ट को हम लोग क्या करते थे, मॉडिफाई करते थे कि वीलन 10 के लिए ऑटोमेटिकली वो वीलन को प्रून ना करे, ऑटोमेटिकली उसको प्रून ना करे, तो हम लोग प्रूनिंग लिस्ट से उसको रिमूव कर देते थे, याद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पोर्ट पे विलन 10 को मैंने प्रूनिंग लिस्ट से हटा रखा है, एक पोर्ट से नहीं हटा रखा, तो दोनों वो सभी पे क्या होनी चाहिए, वो वाली लिस्ट भी सेम होनी चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट होती है या कुछ और भी होती है, तो पहले आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे पास में एक ये दो स्विचेस हैं, इन दोनों स्विचेस को हमने क्या करना था, इथर चैनल में फॉर्म करवाना था, इन दोनों पोर्ट को हमने एक लॉजिकल पोर्ट बनाना था, यहाँ पे भी और इस वाले स्विच पे भी। कौन सा पोर्ट बना रहे थे हम लोग, पोर्ट चैनल 10 बना रहे थे। तो अब पोर्ट चैनल बनाने के कितने मेथड है, कैसे बना सकते हैं हम लोग पोर्ट चैनल, इथर चैनल अगर आपने फॉर्म करवाना है, ईथर चैनल आप स्टैटिकली फॉर्म करवा सकते हो और डायनामिकली फॉर्म करवा सकते हो। अगर आपने डायनामिकली फॉर्म करवाना है तो हमें एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी, दो प्रोटोकॉल होते हैं डायनामिकली अगर आपने ईथर चैनल फॉर्म करवाना है, एक है हमारे पास में PSGP और एक है हमारे पास में LSCP। तो स्टैटिक ईथर चैनल में आप लोगों ने पढ़ा होगा हम लोग कितने पोर्ट बंडल करवा सकते हैं, अप टू 8 पोर्ट आप क्या करवा सकते हो, बंडल करवा सकते हो ना। और जो मोड होता है यहाँ पे स्टैटिक ईथर चैनल का क्या था, वो ऑन मोड था, याद है मोड क्या था, ऑन। और अगर आपने डायनेमिकली अगर ईथर चैनल फॉर्म करवाना है तो एक हमारे पास में PSGP प्रोटोकॉल था, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है ना, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। और ये क्या था, एक आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, ये सिस्को के डिवाइसेस में ही यूज हो पाता था, रन हो पाता है उसी में, आप सिस्को के डिवाइसेस में ही आपको PSGP प्रोटोकॉल की सपोर्ट मिलती थी। और यहाँ पे भी आप कितने लिंक आप एग्रीगेट करवा सकते थे, अप टू 8 लिंक्स आप एग्रीगेट करवा सकते थे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोड्स की, कितने मोड थे, 2, कौन कौन से, डिजायरेबल ऑटो, डिजायरेबल वैसी था जैसे ट्रंक हमने यूज किया था, DTP के मोड थे ना, जैसे डायनामिक डिजायरेबल डायनामिक ऑटो है ना, सेम वैसी है, जो डिजायरेबल होगा वो क्या करेगा, वर्कर सर, जो डिजायरेबल होगा वो क्या करता था, नेगोशिएशन को क्या करता था, इनिशिएट करता था ना, और जो ऑटो था वो नेगोशिएशन के लिए क्या करता था, वेट करता था, तो सेम ही है। और आपने फिर LSCP पढ़ा था, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ये एक आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, सभी वेंडर के डिवाइसेस में इसकी सपोर्ट देखने को मिलती है आपको, और इसमें आप अप टू 16 लिंक्स आप क्या करवा सकते हो, एग्रीगेट करवा सकते हो, बट उसमें आपके 8 लिंक क्या थे,
एट लिंक आपके एक्टिव रहते थे उसमें, जिससे डेटा फॉरवर्ड होता था, और एट लिंक्स आपके किस में होते थे, स्टैंडबाय स्टेट में होते थे। अगर आपका एक्टिव कोई डाउन हो जाता था तो स्टैंडबाय में से एक पोर्ट आपका क्या होता था, एक्टिव पोर्ट। अब देखो स्टैटिक ईथर चैनल में और पीएजीपी में प्रॉब्लम थी, लाइक एट लिंक्स एग्रीगेट करवा रखे हैं, एक लिंक उनमें से डाउन हो गया, रिमेनिंग लिंक कितने बचे, सेवन। डेटा लिंक, डेटा सिर्फ अब सेवन लिंक से ही क्या करेगा, मूव करेगा। और रेशियो क्या रहेगा लोड बैलेंसिंग का, ओके कोई बात नहीं। बट अगर मैं बात करूं किसकी, एलएसईपी की, एलएसईपी में एक्टिव लिंक्स कितने हैं, हमने 16 लिंक क्या किए, एग्रीगेट करवाए, एक्टिव लिंक कितने रहेंगे, 8 लिंक से डेटा फॉरवर्ड होगा। उनमें से अगर कोई भी एक लिंक डाउन हो गया जो स्टैंड बाय है, उनमें से एक लिंक क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अभी भी आपका जो डेटा मूव करेगा वो कितने लिंक से मूव करेगा, 8 से। मतलब हमारे पास में बैकअप में 8 लिंक पड़े होंगे पहले से ही, अगर एक्टिव कोई डाउन हो जाता है तो उनमें से स्टैंड बाय में से एक पोर्ट क्या बन जाता है, एक्टिव बन जाता है। तो अब बात करते हैं कौन से पोर्ट, और यहां पे मोड क्या होते हैं इसके, दो मोड होते हैं इसमें, एक होता है एक्टिव, एक्टिव वैसे ही है जैसे डिजायरेबल है, और एक होता है पैसिव, जो नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा, ठीक है। अब स्विच कैसे डिसाइड करता है कि एक्टिव पोर्ट कौन से बनेंगे, लेट्स सपोज ये दो स्विचेस अटैच्ड है हमारे पास में, लिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, ये 16 लिंक है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 1, 0 by 1, 0 by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। यहां पे भी वही है पोर्ट हमारा 0 by 1 पे केबल अटैच कर रखी है 2 पे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने LACP प्रोटोकॉल यूज किया, और LACP प्रोटोकॉल यूज करके इन सभी 8 लिंक को हमने क्या करवा लिया, 16 लिंक को हमने क्या करवा लिया, एग्रीगेट करवा के एक पोर्ट चैनल बना दिया, कौन सा पोर्ट चैनल नंबर क्या दे दिया, 10। यहां पे भी इन सभी लिंक को फिजिकल, सभी फिजिकल पोर्ट को हमने एग्रीगेट करवाया और एक लॉजिकल पोर्ट बना दिया हमने, पोर्ट चैनल 10। अब इनमें से एक कितने लिंक एक्टिव रहेंगे, 8 लिंक्स। कौन से लिंक एक्टिव रहेंगे इनमें से, अब कैसे पता चलेगा, एक होती है यहां पे LACP पोर्ट आईडी, जो लोवेस्ट जिसकी LACP पोर्ट आईडी रहेगी वो पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जो LACP पोर्ट आईडी है वो दो चीजों से मिलकर बनती है आपकी, वो एक होती है उसमें प्रायोरिटी और एक होती है इंटरफेस आईडी, इंटरफेस नंबर, ठीक है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होती है 32768, इंटरफेस आईडी इज इंटरफेस नंबर, तो बाय डिफॉल्ट सभी पे प्रायोरिटी कितनी होगी, 32768 होगी ना। तो फिर उसके बाद में प्रायोरिटी तो सबकी सेम है सभी पोर्ट पे, अब लोअर इंटरफेस नंबर किसके हैं, अरे इन दोनों से मिलेगी ना, बनेगी ना, लाइक 32768 पोर्ट नंबर 1 की आईडी क्या बन गई, LACP पोर्ट आईडी है किसकी, पोर्ट 0 बाय 1 की, और 0 बाय 16 पोर्ट की पोर्ट आईडी क्या होगी, 32768.16, ये उसकी पोर्ट आईडी है। तो लोअर किसकी है देखा जाए तो इसकी है ना, प्रायोरिटी सभी पे सेम है, देन वो पोर्ट इंटरफेस आईडी चेक करेगा, इंटरफेस आईडी जिसकी लोअर होगी। तो स्विच 1 क्या डिसाइड करेगा, स्विच 1 डिसाइड करेगा इसके ये सभी पोर्ट क्या बन जाएंगे, एक्टिव, और ये वाले पोर्ट क्या चले, किस में चले जाएंगे, स्टैंड बाय स्टेट में चले जाएंगे। यहां पे ये एक्टिव, और ये बाकी स्टैंड बाय स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 लिंक आपके एक्टिव बने हुए हैं, डेटा आपका इन्हीं लिंक से मूव करेगा। अब देखो एक इनमें से एक लिंक डाउन हो गया, लाइक सपोज ये वाला लिंक क्या हो गया डाउन, तो एक्टिव कौन सा हो जाएगा, पोर्ट नंबर जिसकी LACP पोर्ट आईडी क्या है,
लोवेस्ट है, किसकी लोअर है, पोर्ट नंबर 9 की। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। और हाँ, अब अगर ये वापस से लिंक नंबर 6 अप आ गया तो फिर क्या होगा, ये स्टैंड बाय में जाएगा। फिर एक बार जो पोर्ट आपका एक्टिव बन गया वो बन गया, फिर समझ में आ रही है बात। अब ये वाला लिंक नंबर 9 तब तक एक्टिव रहेगा जब तक ये डाउन नहीं हो जाता। क्लियर है इतनी चीज, ओके ठीक है। हमारे इसके अकॉर्डिंग ये स्विच 1 था, स्विच 1 के अकॉर्डिंग ये एक्टिव बन गए 8, और स्विच 2 के अकॉर्डिंग ये एक्टिव हो गए आपके 8। बट हाँ, कुछ केस ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो हमने स्विचेस यूज किए, इन स्विचेस के बीच में जो हमने लिंक यूज किए हैं, अब कोई जरूरी नहीं है ना कि लिंक नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। ये पोर्ट नंबर 0 by 1, 0 by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। अब कोई जरूरी नहीं है ना, जो केबल आपने पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट करी है वो मैं सामने भी पोर्ट नंबर 1 पे ही कनेक्ट करूं। मैं ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 by 16 पे कनेक्ट कर ली, यहाँ पे 0 by ये वाली केबल 0 by 15 पे, 0 by 14 पे, 0 by 13 पे, 12 पे, 11 पे, 10 पे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे, ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। अब स्विच 1 क्या बोलेगा, स्विच 1 तो बोलेगा मेरे ये पोर्ट एक्टिव रहेंगे। स्विच 2 क्या बोलेगा, मेरे ये वाले पोर्ट क्या रहेंगे, मेरे ये पोर्ट एक्टिव रहेंगे। तो फिर डेटा ये तो इन लिंक से डेटा फॉरवर्ड करेगा, ये इन लिंक से डेटा फॉरवर्ड करेगा, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये पोर्ट किसमें होंगे, स्टैंड बाय में। और या फिर यहाँ से ये इन पोर्ट से डेटा भेज रहा है तो नीचे वाले पोर्ट ये किसमें होंगे, यहाँ पे स्विच 2 पे, स्टैंड बाय में। फिर तो इसका मतलब कोई कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पहले मेन स्विच की इलेक्शन होती है, ये हमारे पास में स्विच 1 है, एक हमारे पास में स्विच 2, एक मेन स्विच की इलेक्शन होती है, एक LACP सिस्टम आईडी भी होती है, जैसे LACP पोर्ट आईडी होती है वैसे ही क्या होती है, एक LACP सिस्टम आईडी। और जो LACP सिस्टम आईडी है वो भी फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रायोरिटी एंड बेस मैक एड्रेस, सिस्टम या स्विच बोल लो, बेस मैक। प्रायोरिटी क्या होती है, 32768 मैक एड्रेस जो भी उसका रहेगा, और जिसकी लोवेस्ट LACP सिस्टम आईडी होगी वही स्विच क्या बनेगा, आपका एक मेन स्विच इलेक्ट होगा। तो इस स्विच पे LACP सिस्टम आईडी क्या होगी, 32768+0A, इसका मैक एड्रेस ये मान के चल रहा हूं। स्विच 2 पे LACP सिस्टम आईडी क्या होगी, 32768+0B, है ना। तो पहले एक मेन स्विच की इलेक्शन होगी, मेन स्विच कौन बनेगा, जिसकी LACP सिस्टम आईडी क्या होगी, लोअर होगी, स्विच 1 क्या बन जाएगा, वो मेन स्विच इलेक्ट हो जाएगा। तो स्विच 1 के अकॉर्डिंग ये सभी पोर्ट क्या हो जाएंगे, अब जो पोर्ट्स की इलेक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, उस मेन स्विच के अकॉर्डिंग ये सारे पोर्ट क्या बन गए, स्टैंड बाय। और ये सामने वाला स्विच भी अपने आप को इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, उस मेन स्विच के अकॉर्डिंग अपने पोर्ट्स को क्या कर लेगा, नेगोशिएट कर लेगा, ये भी अपने इन सभी पोर्ट को किस पे ले आएगा, एक्टिव में, और ये इन सभी पोर्ट को किस में लेके आ जाएगा, स्टैंड बाय स्टेट में। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब तो डेटा इन 8 लिंक से मूव कर जाएगा, और इनमें से कोई लिंक डाउन हो गया तो स्टैंड बाय में से एक पोर्ट क्या बन जाएगा, एक्टिव। और कौन सा एक्टिव बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, स्विच 1 डिसाइड करेगा। क्लियर है ये चीज, स्विच 1 के अकॉर्डिंग इलेक्शन होगी। चलो ठीक है, अब देखो अभी हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, ये दो स्विचेस थे हमारे पास में, स्विच 1 एंड स्विच 2,
और मैक्सिमम कितने लिंक से डेटा कैरी कर सकता है? 8 लिंक से ना, 16 भी मैं एग्रीगेट करवा लूंगा स्टिल LACP यूज करके, स्टिल डेटा जो मूव करेगा वो तो 8 ही लिंक से मूव करेगा, तो मैं 8 ही लिंक यूज कर लेता हूं फिलहाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये लिंक्स है हमारे। लिंक नंबर 1 0 by 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पे कुछ लैन यूजर अटैच्ड है, ठीक है, इनके मैक एड्रेस हैं लेट्स सपोज 0A, जीरो बी, जीरो सी एंड जीरो डी। और ये जो स्विच है वो एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है राउटर के थ्रू। आगे एक ISP है, और इस इंटरफेस का भी एक मैक एड्रेस रहेगा लेट्स सपोज 0E, है ना, ऐसे होगा कुछ। और इन सभी को हम लोग एक एक आईपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर का आईपी है 10.100, इसका आईपी है 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। और इन सभी लाइन यूजर को एक एक गेटवे भी प्रोवाइड करवाएंगे। गेटवे किसका बन जाएगा? राउटर के इंटरफेस का आईपी क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे। और इस राउटर को एक डिफॉल्ट रूट दे दोगे टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर, टूवर्ड ISP। अब बात करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब अगर आप ईथर चैनल फॉर्म नहीं करवाओगे तो इनमें से ये 7 लिंक क्या हो जाएंगे, आपके ब्लॉकिंग स्टेट में चले जाएंगे। अरे एक ही लिंक से डेटा मूव करेगा STP, बाकी को क्या कर देगा, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी लिंक को आप एग्रीगेट करवाओगे, और एग्रीगेट करवा के यहां पे एक लॉजिकल पोर्ट बना लिया, पोर्ट नंबर 10। इनमें से एक पोर्ट क्या बन जाएगा DP, और एक पोर्ट क्या बन जाएगा RP। फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे लॉजिकल पोर्ट, तो इनके फिजिकल पोर्ट भी किस में आ जाएंगे, आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में, सारे के सारे पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब बात करते हैं, ये लेट्स सपोज इस लैन यूजर ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो डेटा आएगा किसके पास में, स्विच के पास में। स्विच इसकी कॉपी कहां से फॉरवर्ड कर देगा, इस लॉजिकल पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा। तो लॉजिकल पोर्ट से जब डेटा फॉरवर्ड करेगा तो कोई ना कोई एक फिजिकल लिंक से इसका डेटा की कॉपी फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड स्विच 1। तो कौन से फिजिकल पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करेगा, अरे इस लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से। सोर्स आईपी क्या है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी इज 8.8.8.8, सोर्स मैक एड्रेस विल बी 0A एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज 0E। डेटा आएगा स्विच के पास में, स्विच इसकी कॉपी कहां पे भेज देगा, इस ट्रंक पोर्ट की साइड में भेज देगा, पोर्ट चैनल की तरफ। तो पोर्ट चैनल से एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा, तो वो जो डेटा की कॉपी जाएगी कोई ना कोई एक फिजिकल लिंक से जाएगी। तो किस फिजिकल लिंक से कॉपी भेजेगा, कौन से लिंक से कॉपी जाएगी, स्विच कैसे डिसाइड करेगा, वो बात करेंगे। तो यहां पे इस स्विच पे कुछ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम चल रही होती है, कुछ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है। उन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम को यूज करके पोर्ट चैनल डिसाइड करता है कि मैंने कौन से फिजिकल लिंक से डेटा फॉरवर्ड करना है। तो स्विच कैसे डिसाइड करेगा वो बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी है, कौन कौन सी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है। ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी थी, टोटल 9 लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम थी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। टोटल 9 लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम थी। और इन स्विचेस पे जो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम चल रही होती है बाय डिफॉल्ट कौन सी चल रही होती है, सोर्स मैक। इस पे भी क्या चल रही होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
अब इस लैन यूजर ने इंटरनेट से जब कम्युनिकेट करना था डेटा फ्रेम रिसीव हुआ इस पोर्ट पे, जैसे इस पोर्ट पे कॉपी रिसीव हुई वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है 0A, इस वाले पोर्ट पे क्या कर लेगा लर्न कर लेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ही 0E, तो इसकी कॉपी टू वर्ड राउटर फॉरवर्ड करेगा तो इस पोर्ट चैनल से भेजेगा ना, अरे पोर्ट चैनल के थ्रू डेटा भेजेगा, अब पोर्ट चैनल से डेटा भेजेगा तो अब स्विच कैसे डिसाइड करेगा मैंने इनमें से कौन से फिजिकल लिंक से इसकी कॉपी फॉरवर्ड करनी है। अब स्विच देखेगा यहां पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या चल रही है, पोर्ट चैनल ये देखेगा लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है सोर्स मैक एड्रेस, तो इस सोर्स मैक एड्रेस को चेक करके डिसाइड करेगा ये कि किस लिंक से डेटा फॉरवर्ड करना है। अब इस सोर्स मैक एड्रेस को चेक करके कैसे डिसाइड करेगा वो बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 8। अगर आपको 8 लिंक्स को बाइनरी में काउंट करना हो तो कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, 3 बिट्स। अगर आपको 8 नंबर्स को काउंट करना है बाइनरी में तो बिट्स कितने रिक्वायर्ड है, 3। 3 बिट्स में हम लोग 8 नंबर निकाल सकते हैं, है ना। लिंक कितने हैं, 8। तो जो भी मैक एड्रेस लग के आ रहा है उसकी जो लास्ट 3 बिट्स हैं उनको चेक करके डिसाइड करेगा वो, जो भी मैक एड्रेस सोर्स लग के आ रहा है। यहां पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या है, सोर्स मैक एड्रेस, तो जो 0A जो सोर्स मैक एड्रेस है उसकी लास्ट 3 बिट्स उनको चेक करके डिसाइड करेगा किस लिंक से डेटा फॉरवर्ड होगा। तो देखो 8 लिंक्स को काउंट करना है तो बिट्स में काउंट करना है तो कैसे काउंट करोगे, 3 बिट्स क्या होगी मिनिमम क्या होगा, 000 वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू 0। अगर 0 आ रहा है तो लिंक नंबर 1, ये है डेसिमल वैल्यू आपकी, ये है लिंक नंबर और ये क्या है वो हमारी बाइनरी। अगर बिट्स है 001 तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो लिंक नंबर 2, 010 2 लिंक नंबर 3, 011 3 लिंक नंबर 4, 100 4 लिंक नंबर 5, 101 5 लिंक नंबर 6, 110 6 लिंक नंबर 7 एंड 111 7 लिंक नंबर 8। ये एक टेबल है हमारे पास में, अभी इस टेबल को यूज करेंगे अभी हम लोग, देखो होगा क्या। अब यहां पे सोर्स मैक एड्रेस क्या लग गया है इसमें 0A, तो जो ये सोर्स मैक एड्रेस अभी लग के आ रहा है 0A, जो भी मैक एड्रेस होगा लेंथी सा मैक एड्रेस होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, सारा पूरा मैक एड्रेस बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका लास्ट वाला करेक्टर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इसमें 4 बिट होती है, एक हेक्साडेसिमल करेक्टर कितने बिट्स का होता है, 4 बिट्स का ना, तो इसी को कन्वर्ट कर लो। ए का मतलब क्या होता है 10, 10 को बाइनरी में कैसे लिखोगे 1010, और मैक एड्रेस की सिर्फ लास्ट 3 बिट्स चेक करता है ये, लास्ट 3 बिट्स ही, इसकी वैल्यू क्या आएगी जब डेसिमल वैल्यू निकालोगे 2, तो लिंक नंबर देख लो यहां पे बाइनरी अगर 010 आ रही है 010 आ रही है तो वैल्यू क्या आती है 2, तो लिंक नंबर 3। तो इस लैन यूजर का डेटा जो है वो किस लिंक से फॉरवर्ड कर देगा, लिंक नंबर 3 से। बात आ रही है ना समझ में। इवन अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, लेट्स सपोज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होता, ब्रॉडकास्ट होता, क्या होता, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता, तो स्विच के पास में जैसे ही डेटा फ्रेम रिसीव हुआ एक कॉपी कहां पे भेज देगा, बाकी सभी पोर्ट पे, तो इन यूजर्स की तरफ भी एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा और एक कॉपी ट्रंक पोर्ट से भेजेगा। अब ट्रंक पोर्ट से कॉपी भेजेगा तो एक ही लिंक से भेजेगा ना, कौन से लिंक से भेजेगा, वो क्या चेक करेगा, सोर्स मैक। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या चल रही है, सोर्स मैक, तो सोर्स मैक जो आपका लग के जा रहा है उसकी लास्ट जो 3 बिट्स है उनको यूज करके डिसाइड कर देगा, उनको चेक करके डिसाइड कर देगा डेटा कहां से जा रहा है, लिंक नंबर 3 से। अब बात करते हैं जिस स्विच पे डेटा रिसीव होता है वहां पे अब लूप कैसे अवॉइड होगा। अब यहां पे सारे के सारे पोर्ट किसमें है, फॉरवर्डिंग स्टेट में ना, तो ईथर चैनल क्या करता है, ईथर चैनल अपना एक इंटरनल लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है, क्या ईथर चैनल अपना एक इंटरनल लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। एक्चुअली इन स्विचेस के बीच में जितने भी आपके लिंक्स हैं वो सारे के सारे किसमें है, फॉरवर्डिंग स्टेट में, तो यहां पे लूप बन जाना चाहिए, है ना। होता क्या है, अगर कोई फिजिकल पोर्ट पे कोई डेटा फ्रेम रिसीव होता है, ईथर चैनल लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या यूज कर रहा होता है, कि अगर कोई
फिजिकल पोर्ट पे कोई डेटा फ्रेम रिसीव हो रहा है और वो फिजिकल पोर्ट किसी पोर्ट चैनल का मेंबर है, तो एक कॉपी उस फिजिकल पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं करेगा जो फिजिकल पोर्ट उस सेम पोर्ट चैनल का मेंबर है। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने? अगर कोई डेटा फ्रेम रिसीव हो रहा है कोई फिजिकल पोर्ट पे और वो फिजिकल पोर्ट किसी पोर्ट चैनल का मेंबर है, तो एक कॉपी उन फिजिकल पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं करेगा जो फिजिकल पोर्ट उसी सेम पोर्ट चैनल के मेंबर है। समझ में आ रही है ना बात? तो ब्रॉडकास्ट आ रहा था इवन आपका डेटा फ्रेम, बट इसकी कॉपी इन पोर्ट्स पे नहीं जाएगी। तो वापिस से घूम के स्विच, इस नीचे वाले स्विच को डेटा फ्रेम रिसीव नहीं होगा, एक कॉपी इसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा ना। बात आ रही है समझ में? तो एक कॉपी यहां पे क्या कर देने वाला है, ये राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देने वाला है। और राउटर क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? राउटर का ये एक्सेप्ट कर लेगा, देन देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8.8 है, इसके पास में एक डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा टुवर्ड आईएसपी, ट्रैफिक किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो लास्ट वाले लैन यूजर ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो सोर्स ये जो अपना पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.4, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 8.8.8.8, सोर्स मैक एड्रेस इज 0D, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी 0E, अरे यही होगा ना गेटवे का। तो डेटा फ्रेम रिसीव होगा स्विच पे, स्विच क्या करेगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 0D है, इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज 0E, तो गेटवे की तरफ कॉपी फॉरवर्ड करनी है तो इस पोर्ट चैनल से भेजेगा ना ये, अभी फिजिकल पोर्ट से नहीं भेजेगा, किससे? पोर्ट चैनल से। अब पोर्ट चैनल से भेजेगा तो पोर्ट चैनल डिसाइड करेगा मैंने इनमें से किस फिजिकल पोर्ट से डेटा की एक कॉपी फॉरवर्ड करनी है, तो वो सोर्स मैक एड्रेस चेक करके, यहां पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम क्या चल रही है, सोर्स मैक, तो वो सोर्स मैक एड्रेस चेक करके डिसाइड करेगा। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 0D, 0D को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डी का मतलब क्या होता है, अरे डी को डेसिमल क्या होती है, डी की 14 13 13 ना, तो क्या आएगी 1 1 0 1 0 1, यही होगी, और ये 0 1 2 3 4, तो बाकी तो यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, लास्ट 3 बिट चेक करेगा वो, तो लास्ट 3 बिट को जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में वैल्यू क्या आएगी 5, तो लिंक नंबर 6 से डेटा जाएगा, ये लो 101 वैल्यू आएगी 5, तो लिंक नंबर 6 से डेटा भेज देगा ये, इस लिंक से डेटा फॉरवर्ड कर देगा, और इसकी एक कॉपी कहां पे चली जाएगी। बात आ गई समझ में? यहां पे इस स्विच पे ये लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम आप चेंज भी कर सकते हैं। देखो स्विच, इस वाले स्विच पे जो राउटर से कनेक्टेड है, जो गेटवे से कनेक्टेड है, उस पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या चल रही है, सोर्स मैक चल रही है। अब राउटर जब वापसी में आपका रिवर्स ट्रैफिक आएगा, जब राउटर जब वापसी में रिप्लाई देगा, जो हमारा ट्रैफिक वापसी से आएगा, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, 0A B C D या कुछ भी रहेगा ना, और ये रहेगा ना, वापसी में जब ट्रैफिक आएगा राउटर से, तो राउटर अपना सोर्स मैक एड्रेस लगा के भेजेगा ना। तो अब जब भी डेटा वापसी में रिसीव होगा, ये देखेगा सोर्स एक कॉपी कहां से फॉरवर्ड कर देगा, स्पोर्ट चैनल से, वो देखेगा लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम क्या चल रही है, यहां पे सोर्स मैक एड्रेस है ना, तो सोर्स मैक एड्रेस है, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है, 0E, तो हमेशा एक ही पोर्ट से वापसी में क्या होगा, जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक है वो हमेशा एक ही लिंक से आएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं समझ में आई? हर बार इसी को कन्वर्ट करेगा ना, तो इस स्विच पे आप लोड बैलेंसिंग सोर्स मैक एड्रेस नहीं यूज करोगे, मैं यहां पे क्या यूज कर लेता हूं, डेस्टिनेशन मैक। नीचे वाले स्विच पे क्या है, सोर्स मैक। बात आ गई समझ में? तो अब होगा क्या, जिस जो लैन यूजर का आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, जिस पोर्ट से जा रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक भी क्या होगा, इनकमिंग पाथ भी वही लिंक रहेगा तुम्हारा। बात आ रही है ना समझ में, क्लियर है ना इतनी चीज? अगर आप स्विचेस पे दोनों लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, लेट्स सपोज इस बार कम्युनिकेट इंटरनेट से करना है किसने, 0A ने, फिर से इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, सोर्स आईपी विल बी 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी इज 8.8.8.8,
लेयर टू पे सोर्स मैक एड्रेस विल बी एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, और इस बार हमने यहां पे जो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर रखे वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज कर रखे, तो कैसे वो डिसाइड करेगा, जैसे डेटा फ्रेम यहां पे रिसीव होगा 0A मैक एड्रेस इस वाले पोर्ट पे स्विच क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, और एक कॉपी कहां से भेज देगा, इस पोर्ट चैनल से भेजेगा ना। अब पोर्ट चैनल से जब भेजेगा तो स्विच क्या चेक करेगा, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या चल रही है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, तो इन दोनों मैक एड्रेसेस को चेक करके डिसाइड करेगा मैं डेटा किस लिंक से फॉरवर्ड करना है, कौन से फिजिकल लिंक से कॉपी जाएगी इसकी। तो सोर्स मैक क्या लग के आया, डेस्टिनेशन मैक क्या है उसमें 0E, इन दोनों को आप किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। इसकी बाइनरी क्या निकलेगी, ए की बाइनरी क्या निकलेगी, ई की बाइनरी क्या निकलेगी, ये निकलेगी। अब यहां पे यूज करता है ये एक्सोर गेट, उसमें क्या होगा, अगर वैल्यू क्या है 0 0 है इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1 1 है तो 0, तो यहां पे वैल्यू क्या है 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0 1 0, तो लास्ट 3 बिट चेक करता है, अरे एक इनकी कॉमन वैल्यू निकाल लेगा एक्सोर गेट यूज करके, और ये जो लास्ट 3 बिट्स हैं वैल्यू क्या आ रही है इसकी 3 अरे 4, तो लिंक नंबर 5 से डेटा भेज देगा। आगे बात समझ में, कैसे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज करता है। आप सोर्स आईपी भी यूज कर सकते हो, तो जो लास्ट सोर्स जो आईपी होगा उसकी लास्ट 3 बिट्स को कन्वर्ट करेगा। अगर आपने डेस्टिनेशन आईपी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर रखी है तो डेस्टिनेशन आईपी को कन्वर्ट करेगा, जो लास्ट 3 बिट्स है उनको यूज करके डिसाइड करेगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी दोनों को कन्वर्ट करेगा बिट्स में, और दोनों की लास्ट 3 बिट्स को वो एक्सोर गेट यूज करके कॉमन वैल्यू निकालेगा, उससे डिसाइड कर लेगा। अगर सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर रखा आपने तो कैसे डिसाइड करेगा वो, जब आप डेटा फॉरवर्ड करते हो, जब भी आपने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो आपने देखा होगा यार लेयर 4 पे UDP और TCP हेडर अटैच होता है, उसमें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज होते हैं ना, उन पोर्ट्स को कन्वर्ट करेगा और लास्ट 3 बिट्स चेक करके डिसाइड करेगा। क्लियर है, अगर सोर्स पोर्ट नंबर एल्गोरिदम यूज करी हुई है। अगर आपने डेस्टिनेशन में पोर्ट नंबर अगर एल्गोरिदम यूज करी हुई है तो जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लग के आ रहा होगा उसको कन्वर्ट करेगा बिट्स में, और जो लास्ट 3 बिट्स होंगी उनको कन्वर्ट कर उनके बेसिस पे डिसाइड कर लेगा किस फिजिकल लिंक से डेटा फॉरवर्ड होगा। आगे बात समझ में, कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है तो उसी तरह से एक्सोर गेट यूज करेगा और डिसाइड कर लेगा। क्लियर, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 8। अगर इनमें से एक लिंक डाउन हो गया, कौन सा लिंक नंबर 8 अगर डाउन हो जाता है तो डेटा अब किस लिंक कैसे मूव करेगा। देखो अगर वैल्यू आएगी 7, अगर वैल्यू क्या आएगी 7, तो लिंक नंबर किससे डेटा जाएगा, अगर लास्ट 3 बिट्स ये है तो वैल्यू 7 आएगी, तो लिंक नंबर 8 से डेटा भेजना। अब लिंक ही कितने हैं हमारे पास में, यहां पे 7 है, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई है। देखो होगा क्या, 8 लिंक है टोटल, वैल्यू निकल के आई 0 डेसिमल वैल्यू, तो लिंक नंबर 1 से, वैल्यू निकल के आई कितनी 1, तो लिंक नंबर 2 से, तो पहले रेशियो क्या था, पहले रेशियो ये था डेटा फॉरवर्ड करने का, कितने हो गए 5 6 7 8, इस रेशियो में वो डेटा फॉरवर्ड कर रहा था। जब वैल्यू क्या आ रही थी 0, तो लिंक नंबर 1 से, वैल्यू 1 आ रही थी लिंक नंबर 2 से, वैल्यू जब 3 आ रही थी लिंक नंबर 3 से, ठीक है। इस तरह से सारे लिंक यूटिलाइज हो रहे थे। इस बार मेरे पास में नंबर ऑफ लिंक है ही कितने, 7 लिंक है ना। अब वैल्यू आएगी कितनी जब 7, तो लिंक नंबर 8 से डेटा भेजना है यहां पे, तो लिंक 8 है ही नहीं टोटल, तो वो जो डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा किस लिंक पे, लिंक 1 पे, तो रेशियो रहेगा 2:1:1:1:1:1:1। अब अगर मेरे पास में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, सिर्फ 6 लिंक है, लिंक कितने हैं 6, वैल्यू क्या आ रही है, लास्ट 3 बिट्स यूज करेगा, लास्ट 3 बिट में तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, नंबर जो निकल के आएंगे डेसिमल वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 0 1 से लेके 7 तक निकल के आएगी। अगर वैल्यू 6 आती है तो लिंक नंबर 7 से डेटा जाएगा, और लिंक है कितने अभी फिलहाल, लिंक ही हमारे पास में सिर्फ कितने हैं 6 है, ये टोटल 6 लिंक है सिर्फ।
तो क्या होगा अगर वैल्यू 6 आती है तो लिंक नंबर 7 से डेटा भेजना है तो उसका डेटा मूव करेगा लिंक नंबर फर्स्ट पे। वैल्यू आती है 7 तो लिंक नंबर 8 से भेजना है, लिंक नंबर 8 है नहीं, डेटा किस लिंक से मूव करेगा लिंक नंबर 2 से। तो रेशियो क्या रहेगा 2:1:1:1:1। अब लिंक मेरे पास में कितने हैं 5, लिंक कितने हैं सिर्फ 5 एक ही थर चैनल में, कितने नंबर ऑफ लिंक है 5। तो डेटा कैसे जाएगा जब वैल्यू निकल के आएगी लेट्स सपोज 4 तो इस लिंक से डेटा मूव कर जाएगा फिफ्थ लिंक से, जब वैल्यू आएगी 5 तो लिंक नंबर 6 से डेटा भेजना है, लिंक नंबर 6 तो है नहीं तो डेटा किस लिंक पे मूव कर जाएगा लिंक नंबर 1 पे, जब वैल्यू आएगी 6 तो लिंक नंबर 7 से भेजना है, लिंक नंबर 7 तो है नहीं लिंक नंबर 2 पे, जब वैल्यू आएगी 7 लिंक नंबर 8 से भेजना है, लिंक नंबर 8 भी नहीं है तो लिंक नंबर 3 पे। तो ये रेशियो रहेगा अगर लिंक मेरे पास में कितने हैं 5 और अगर मेरे पास में लिंक ही कितने हैं 4 लास्ट के 2 डिजिट चेक करेगा, फिर वो लिंक ही मेरे पास में कितने नंबर ऑफ एक ही सर चैनल में 4। अब 4 लिंक को बाइनरी में अगर आपने काउंट करना है बाइनरी से तो कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, सिर्फ 2 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी ना, तो 2 बिट्स में डिसाइड करेगा वो, सिर्फ लास्ट 2 बिट्स चेक करेगा, वो डिसाइड कर लेगा किस तरह से, कहां पे था वो इसी में है, तो लास्ट बस इतनी बिट्स ही चेक होंगी, ये दो ही बिट यूज करेगा, जो भी मैक एड्रेस लग के आ रहा होगा या जो भी आईपी एड्रेस लग के आ रहा होगा लिंक ही मेरे पास में कितने हैं 4 तो लास्ट 2 बिट्स चेक करेगा, वो डिसाइड करेगा अगर लास्ट 2 बिट में वैल्यू क्या आ रही है 00 तो लिंक नंबर 1 से, 01 आ रही है तो लिंक नंबर 2 से, 10 आ रही है तो लिंक नंबर 3 से, 00 आ रही है बिट्स तो लिंक नंबर 4 से। बात आ रही है ना समझ में, तो अब होगा क्या लिंक ही कितने हैं मेरे पास में 4 है, जब वैल्यू आएगी 0 तो लिंक नंबर 1 से, वैल्यू आएगी 1 तो लिंक नंबर 2 से, वैल्यू आएगी 2 तो लिंक नंबर 3 से, वैल्यू आएगी 4 तो लिंक नंबर 4 से। अब मेरे पास में लिंक ही कितने हैं 3, अब 3 लिंक है, 3 लिंक को अगर आपने बाइनरी में काउंट करना है तो मुझे एटलीस्ट 2 बिट्स रिक्वायर्ड है ना, तो यहीं पे यहीं से डिसाइड होगा। आप देखो वैल्यू आएगी 0 तो लिंक नंबर 1 से, वैल्यू आएगी 1 तो लिंक नंबर 2 से, वैल्यू आएगी 2 तो लिंक नंबर 3 से, अब वैल्यू आएगी जब 3 तो लिंक नंबर 4 से, 4 तो है नहीं यहां पे तो डेटा किस लिंक पे मूव कर जाएगा, तो 2:1:1 रेशियो में आपका लोड बैलेंसिंग होगी। ठीक है, अब मेरे पास में नंबर ऑफ लिंक ही कितने हैं 2 तो बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, सिर्फ एक ही बिट रिक्वायर्ड होगी, अगर लास्ट बिट में वैल्यू 0 आ रही है तो लिंक नंबर 1 से, 1 आ रही है तो 2 से, 1:1 रेशियो में। अब लिंक ही कितने हैं 1, फिर क्या होगा सारा ट्रैफिक उसी लिंक से जाएगा।